हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था NCF 2005 के बारे में, और जिसमें हमने जाना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं एग्जाम में, और हमने यह टॉपिक बड़ी ही डिटेल में पढ़ा था। उससे आगे हम आज एक और टॉपिक लेके आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह टॉपिक है RTE एक्ट 2009। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। मैं मनजीत कौर, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्प योर सेल्फ। तो हमारा आज का टॉपिक है RTE एक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि यह एक्ट किससे रिलेटेड है। तो यह एक्ट है शिक्षा से, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन के लिए यह एक्ट बना था। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो कई बार हमें दिखता है एग्जाम में राइट ऑफ एजुकेशन, और हम जल्दी से उस पर टिक मार्क लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म हम जानते हैं क्या होगी। राइट ऑफ एजुकेशन ही नहीं, इसकी पूरी फुल फॉर्म हम देखेंगे क्या है। तो इसकी पूरी फुल फॉर्म है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और अगर इसे हिंदी में देखें तो हिंदी में यह हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहा जा सकता है इसे, शॉर्ट फॉर्म में अधिनियम 2009। इस तरह से हम इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर फुल फॉर्म की बात आए तो हमें फुल फॉर्म इसकी यही बतानी है एग्जाम में कि इसकी फुल फॉर्म होगी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसमें कौन से वर्ड पर ज्यादा फोकस किया गया है RTE 2009 के टाइटल में। तो इसके टाइटल यह तो था हमारा टाइटल, तो इस टाइटल में कौन से वह पॉइंट है, कौन से वह वर्ड है जिनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं इस एक्ट के अंदर। तो वह है फ्री एंड कंपल्सरी वर्ड। फ्री एंड कंपल्सरी वर्ड ऐसे दो वर्ड हैं जिनके ऊपर इस टाइटल में 2009 का जो हमारा एक्ट बना था एजुकेशन के लिए, इन तीन पॉइंट के ऊपर, तीन वर्ड के ऊपर फोकस होता है कि इसमें ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें यह डिसाइड किया गया था कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगर हम इसकी हिंदी लिखें तो फ्री का मतलब हो जाएगा मुफ्त और अनिवार्य, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें क्या क्या कहा गया था ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि RTE कब बना था और कब लागू हुआ था, इसके बारे में हम सब में काफी कंफ्यूजन बना रहता है। तो पहले हम यही देखेंगे कि RTE कब बना था। तो RTE का काम शुरू हो गया था लगभग 2001 के आसपास। तो आप सबको याद होगा कि 2000 में क्या आया था, क्या बदलाव आया था, क्या नया देखने को मिला था। तो जो हमारी SSA थी, SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आया था हमारा, कब बना था यह अभियान 2000 में। और यह लागू कब हुआ था, यह लागू हुआ था 2001 में। अगर पूरी हम डेट इसकी देखें तो 1 अप्रैल 2001 में SSA सर्व शिक्षा अभियान लागू हो गया था। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जिन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल है उनको क्या शिक्षा दी जाएगी, उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। उन सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल तक हैं उन सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए, सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो लिख लेते हैं हम इस पॉइंट को, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा मिले सबको, शिक्षा सबके लिए यह इसमें कहा गया था। और इनका कहा गया था जो हमारी एज है 6 to 14, तो इसमें कौन सी क्लास तक की शिक्षा की बात कही गई, तो यह क्लास थी 1 to 8।
वन टू एट क्लास तक जो एजुकेशन की बात कही गई थी कि एक से आठवीं तक की कक्षा तक सभी को एजुकेशन दी जाएगी, सभी को एजुकेशन का अधिकार है, ये कहा गया था। फिर इन्होंने कहा कि इनका एक लक्ष्य भी था, जो सर्व शिक्षा अभियान था हमारा, इनका एक एम भी था, एक लक्ष्य था। तो वह लक्ष्य क्या था? वह लक्ष्य था कि 2001 से लेकर 2010 तक सभी बच्चों को यह अनिवार्य शिक्षा मिल जाएगी, यानी कि यहाँ तक 10 तक इन्होंने कहा था कि 2010 तक हमें सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को हमें एजुकेशन देनी है 8वीं तक। तो ये इनका एम था। लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया तो उसके बाद 2002 में संविधान में 86 यानी कि 86वां संशोधन हुआ और इसके द्वारा एक आर्टिकल जुड़ा हमारे संविधान में। कब जुड़ा? 2002 में, संविधान में 86वां या 86वें हम कह सकते हैं, 86वें या 86वां संशोधन हुआ और इसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ, तो वह आर्टिकल कौन सा था? 20A आर्टिकल, यहाँ 21A यानी कि 21A आर्टिकल इसमें ऐड हुआ और उसमें कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के बारे में यहां पर चर्चा की गई या देने की बात की गई, देने की बात कही कि जो बच्चे हैं इस आर्टिकल में, जो 86वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान में 2002 में, उसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ जो था 21A और इसमें कहा गया कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए या मिलनी चाहिए और 6 से 14 साल के बच्चों को यह फ्री एंड कंपलसरी यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो मिलेगी वह उनका अधिकार है, वह बच्चों का अधिकार है और यह इस एक्ट के जरिए बच्चों के मौलिक, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं यानी कि फंडामेंटल जो हमारे राइट होते हैं मौलिक अधिकार, उनमें इस अधिकार को जोड़ दिया गया, बनाया गया। क्या बनाया गया? कि बच्चों को अब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कौन सी एज तक? जिनकी एज 6 से 14 साल है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ये बच्चों का अधिकार है, सभी बच्चों का अधिकार है कि उनको 6 से 14 वर्ष तक एजुकेशन मिले और उनके पेरेंट्स का यह है कर्तव्य है, यह ड्यूटी है कि वे अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। कंपलसरी एजुकेशन जो 6 से 14 साल तक होती है, 1 से 8 क्लास तक होती है, वे एजुकेशन दिलाएं और हर बच्चे को नॉलेज का अधिकार है, अपनी शिक्षा का अधिकार है कि विद्यालय में जाके वह पढ़े। और फिर क्या हुआ इसमें? और भी चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए? अब तो देखिए यह बन गया 2002 में हमारा मौलिक अधिकार बन गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। अब देखिए 2002 में यह हमारा मौलिक अधिकार तो बन गया कि एजुकेशन अनिवार्य और मुफ्त बच्चों को दी जाए, लेकिन ये लागू कब हुआ इसके बारे में भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यह लागू या कब बन के तैयार हो गया था, जो हमारा सिस्टम था आरटी एक्ट था, जो पूरी एक जिसमें पूरा सब कुछ एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे टीचर होने चाहिए, उसके बारे में एक ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ। और यह ड्राफ्ट कब लागू हुआ, कब इस पर सिग्नेचर हो गए? अगस्त 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इस ड्राफ्ट पर साइन कर दिए गए और यह सुनिश्चित कर दिया गया कि आरटीई एक्ट बन के तैयार हो गया है, जिसके जरिए बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया था। और लागू कब हुआ? अब ये यहां पर देखिए बन के तैयार तो हो गया है, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ था यह 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो गया था, 10 से लागू हो गया था ऑल इंडिया में यह लागू कर दिया गया था। इससे बच्चे क्या थे, इनका बच्चों को अधिकार मिला एजुकेशन का। कैसी एजुकेशन का? फ्री एंड कंपलसरी।
क्योंकि जो ये RTE का हमारा एक्ट है इस पे जो फोकस है वह रहा था फ्री एंड कंपलसरी के ऊपर, तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। और इस में क्या है, RTE जो हमारा एक्ट बना है, ये क्या एक्ट है, RTE एक्ट 2009, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन हमारे कई बार आ जाता है। तो इसमें टोटल हम देखेंगे अब 7 चैप्टर हैं, यानी कि 7 अध्याय हैं इसमें, और इसमें 38 यानी कि 38 आर्टिकल के बारे में बात कही गई है, 30 आर्टिकल हैं 38, और इसमें 1 शेड्यूल यानी कि अनुसूची के बारे में बात कही गई है। तो इनमें और क्या क्या आई चीजें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कहा गया था, सबसे पहले हम जानेंगे। तो जितने ये 7, 38 या 1 अनुसूची, इनमें क्या बात कही गई, क्या क्या चीजें आई थी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को जो कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन है 14 वर्ष निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा जो है जरूरी है वो दी जाएगी बच्चे को। और यह थी जो नॉर्मल बच्चों के लिए एज, यह जो एज थी वह थी नॉर्मल बच्चों के लिए। तो कई बार एग्जाम में स्पेशल चाइल्ड के लिए भी पूछ लेते हैं कि उनके लिए क्या एज निर्धारित की गई थी, तो उनके लिए एज निर्धारित की गई थी 6 से 18 वर्ष तक स्पेशल चाइल्ड के लिए एज निर्धारित की गई कि जो स्पेशल बच्चे होंगे उन्हें 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। फिर इसमें और क्या क्या आया था, इसमें आया था कि जो हमारे बच्चे हैं उनका स्कूल कितने दायरे के अंदर होना चाहिए, ये बात भी आई थी। तो जो हमारे बच्चे की स्कूल है 1 से 5th क्लास तक, यानी कि क्लास 1 से 5th तक, यानी कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, वह स्कूल होना चाहिए बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए, यह भी प्रावधान आया था इसी के अंदर, इसकी बात कही गई थी। फिर बात आती है बच्चे जिनका स्कूल 6 से लेकर 8वीं तक का स्कूल, जो बच्चे इस क्लास में पढ़ेंगे यानी कि 6th to 8th और यहाँ पे 1 to 5th, इनका स्कूल होना चाहिए 3 किलोमीटर के दायरे में, उनके घर से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर यह स्कूल होना चाहिए। तो ये तो आया था कि जो 5वीं तक का स्कूल है बच्चे का वो होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर, और जो 8वीं तक का स्कूल है वो बच्चों के लिए होना चाहिए 3 किलोमीटर के अंदर। और कहाँ से 3 किलोमीटर शुरू होंगे, उसके घर के दायरे से, यानी कि उसके घर का और उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 3 किलोमीटर होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है पड़ोसी विद्यालय में हो, यानी कि जो उसके घर के नजदीक हो, उसमें बच्चों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, यह बात भी कही गई हमारे इसी RTE एक्ट में। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबर स्कूल, यानी कि हम लिख लेते हैं यहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए नेबर्स स्कूल, ये पूछ लिया जाए कि पड़ोसी विद्यालय में पढ़ाया जाए बच्चे को, यह सबसे पहले कहां पे चर्चा हुई थी इसके बारे में, तो सबसे पहले इसका प्रावधान या इसका जो सजेशन था या जिस इसके बारे में बात कही गई थी वह था हमारा, कब बात की गई थी, 1964-66 में। और यह कब था, यह था काठोरी कमीशन में इसकी बात कही गई थी, काठोरी कमीशन में बात कही गई थी पड़ोसी स्कूल के बारे में। तो ये तो थे कि बच्चे का स्कूल कितने मीटर के, कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, इसके बारे में बात कही गई थी। इससे हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसमें दिया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है वर्किंग आवर के बारे में कि स्कूल के वर्किंग डे कितने होने चाहिए या टीचर के वर्किंग आवर कितने होने चाहिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। और रेशियो के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए।
तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्कूल के वर्किंग डे कितने होने चाहिए। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा साथ के साथ में, स्कूल वर्किंग डे। तो स्कूल के वर्किंग डे होने चाहिए 200। जो हमारी 1 to 5th क्लास है उसके लिए वर्किंग डे की बात करी गई है कि साल में 200 वर्किंग डे होने चाहिए स्कूल में प्राइमरी क्लासेस के लिए, यानी कि 1 to 5th क्लास के लिए। और जो हमारी 6 to 8th क्लास है इनके लिए कहा गया 220 दिन साल में वर्किंग डे स्कूल्स के। अब हम बात करते हैं कि ये तो थे हमारे वर्किंग डे, अब बात करते हैं टीचर के, टीचर वर्किंग आवर। तो यह कितने कहे गए, यह कहे गए 800 घंटे। किसके लिए 800 घंटे कहा गया, यानी कि हफ्ते में 45 घंटे इन ए वीक 800 घंटे होने चाहिए। जो टीचर के वर्किंग आवर होते हैं साल में वो होने चाहिए कम से कम 800। और अगर हफ्ते के अकॉर्डिंग देखें तो हफ्ते के अकॉर्डिंग ये होने चाहिए 45 घंटे एक वीक के अनुसार। फिर हम देखते हैं 1000 घंटे, किसके बारे में कई बात कही। और फिर हम देखते हैं 1000 घंटे किसके लिए, 6 to 8th क्लास के लिए। ये किसके होने, किसके बताए हैं घंटे, किसका वर्किंग आवर बताया है, ये टीचर का वर्किंग आवर है कि बच्चे के लिए वह 800 घंटे निकालेगा साल में और 45 घंटे मिनिमम उसके होने चाहिए एक वीक के अंदर। और 6 to 8th के लिए 1000 घंटे निर्धारित किए गए एक टीचर के। फिर हम देखते हैं अब टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी RTE में बात कही गई। तो अब हम देखते हैं टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए। तो यह रेशियो होना चाहिए एक टीचर का, टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो। तो यह रेशियो निर्धारित किया गया कि जो 1 to 5th क्लास के लिए, यहां पे लिख लेते हैं हम क्लास, यह रेशियो हुआ 30:1, यानी कि 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में 3 बच्चे हैं तो उनके ऊपर एक टीचर जरूर होना चाहिए, यह कहा गया RTE में। और यही हम बात करें 6 to 8th के लिए, तो यह रेशियो रखा गया 35:1 टीचर, यानी कि जब 35 बच्चे होंगे 6 to 8th एक क्लास में तो उनके लिए एक टीचर होना चाहिए। तो इससे आगे हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो भी बढ़ता जाएगा। तो वह रेशियो कैसे बढ़ेगा उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं अभी कि टीचर एंड स्टूडेंट का रेशियो कैसे बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लेते हैं साथ में, ताकि आपको एग्जाम तक याद भी रहे। तो जब बात कही गई प्राइमरी स्कूल की, तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी स्कूल्स की। तो यह कहा गया कि अगर 1 to 5th क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो उनके ऊपर एक टीचर होगा, अगर बच्चे 60 हो जाते हैं तो यहाँ पर 2 टीचर हो जाएंगे। ये रेशियो हम आपको बता के चल रहे हैं, स्टूडेंट एंड रेशियो, ये रेशियो है। अगर स्कूल में 61 से लेकर 90 तक बच्चे हो जाते हैं तो इनका वही रेशियो हो जाएगा जो हमने यहाँ पर देखा था कि 30 बच्चों पर एक टीचर जरूर होगा। फिर इसके बाद अगर कहा गया कि अगर आपके स्कूल में 91 से 21 तक, यानी कि 120 अगर स्टूडेंट हो गए हैं तो उन पे 4 टीचर जरूर होने चाहिए। और यदि यही स्टूडेंट की संख्या 121 से 150 तक हो जाती है तो 4 टीचर हो गए थे पहले, तो अब हो जाएंगे यह 5 टीचर। जैसे ही संख्या स्टूडेंट की 150 यानी कि 150 हो जाती है, 150 हो जाती है, तो टीचर में क्या कहा गया कि एक, चले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ही 150 से ऊपर जाएगी या 150 हो जाएंगे बच्चे, तो यह कहा गया कि 5 टीचर और साथ में एक प्रिंसिपल होना चाहिए। तो क्या कहा गया, 5 टीचर प्लस एक हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल की बात कही गई या प्रधानाचार्य होना चाहिए स्कूल में, यह कहा गया।
प्रिंसिपल होना चाहिए, कितने के ऊपर, 150 से ऊपर, जैसे ही बच्चे जाते हैं वैसे ही। फिर अगर 200 से ऊपर अगर आ जाते हैं तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 40 पर एक टीचर जरूर होना चाहिए। अगर आबादी ज्यादा है, ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में, तो कम से कम 40 के ऊपर, मैक्सिमम हम 40 बच्चे दे सकते हैं, 40 के ऊपर हमें एक टीचर का रेशियो रखना ही है। तो अगर यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो अपनी अपर क्लासेस हैं, यानी कि हमारी 5th के ऊपर जो क्लास आने वाली है, उनके ऊपर कितने बच्चे होने पर एक हेडमास्टर होना जरूरी है, तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हम बता देते हैं, 100 बच्चों से ऊपर, बच्चों से ज्यादा होने पर हेडमास्टर का होना जरूरी है। कौन सी क्लासेस में? अपर प्राइमरी स्कूल में। तो यह तो हमने जाना कि एक टीचर का रेशियो, यानी टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए, और अगर ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो टीचर का रेशियो भी बढ़ता जाएगा, ऐसे ही मतलब टीचर की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और हमने जाना कि अगर 200 बच्चों से ज्यादा आपके प्राइमरी स्कूल में हैं तो आपका रेशियो क्या रह जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा मैक्सिमम 40 बच्चों पर एक टीचर होना ही चाहिए। तो ये तो हमने जाने कि टीचर का रेशियो कैसा होना चाहिए, वर्किंग आवर कैसे होने चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें भी कही गई यहाँ पे कि जैसे अगर प्राइमरी स्कूल में बच्चे का एडमिशन आप कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो यह बात कई बार आ भी जाती है कि RTE एक्ट के द्वारा बच्चे का एडमिशन उसकी एज के अकॉर्डिंग होगा या कैसे होगा, वो करना होगा। तो RTE एक्ट कहता है कि बच्चे का एडमिशन उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर बच्चा 10 साल का है तो उसके अनुसार एज के अकॉर्डिंग उसकी कौन सी क्लास में एडमिशन लाएंगे 10 साल के बच्चे को, यह एडमिशन होगा उसकी 5th क्लास में। यह एडमिशन उसका हो गया 5th क्लास में। लेकिन अगर हमारे दिमाग में आएगी कि बच्चा तो है 10 साल का और उसने सीधी उसकी एज के अकॉर्डिंग हमने कर दिया 5th क्लास में, लेकिन अगर हमने 5th क्लास में कर दिया तो उसके पहले की जो कक्षा है, पहले की जो उसकी कक्षाएं हैं 1 to 4 तक, वह बच्चा कैसे मेंटेन करेगा, उसके लिए कैसे 1 to 4 तक का सिलेबस है, वो बच्चे को अभी कुछ आता ही नहीं तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया गया। तो ये बच्चे का 1 to 4 तक का जो 4 साल का गैप है उसको भरने के लिए एक स्पेशल पाठ्यक्रम की रचना की गई, जिसे कहा जाता है ब्रिज करिकुलम, और इसे हिंदी में हम कहेंगे सेतु पाठ्यक्रम। यह वह पाठ्यक्रम है जिसके द्वारा बच्चे के इस गैप एज के अकॉर्डिंग उसे एडमिशन दिलाया जाएगा। और इस और क्या कहा गया यहाँ पर, और एक और बात यहाँ पे कही गई कि जैसे कि हमने कहा कि उसके एज के अकॉर्डिंग ही उसको एडमिशन दिया जाएगा, इसके साथ साथ बच्चे को यह भी अधिकार दिया गया कि जब उसका एडमिशन करवा रहे हैं अगर उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो बिना प्रमाण पत्र भी बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा स्कूल में। अब उसके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी एज का प्रूफ कैसे मिलेगा, तो उस एज के प्रूफ के लिए कहा गया कि उसके स्वयं के माँ बाप यह लिख के दे देंगे कि यह बच्चे की एज है तो उसको ही सही माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर बच्चे पर बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि पहले प्रमाण पत्र लेके आओ इसकी एज का और फिर इसको एडमिशन देंगे। तो यह बात खत्म कर दी RTE एक्ट 2009 ने, उसने कहा कि बच्चे के कोई भी प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा, प्रमाण पत्र के आधार पर उसका एडमिशन हम नहीं रोक सकते, यह अधिकार बच्चे को दिया गया। उसके बाद तो यह तो था बिना प्रमाण पत्र के आधार पर एडमिशन नहीं रोक सकते। फिर आया बच्चे को ट्रांसफर का, यानी कि स्थानांतरण का अधिकार भी दिया गया इसमें। अब जैसे मान लीजिए बच्चे के माँ बाप कहीं काम के सिलसिले में, या माँ बाप का किसी का ट्रांसफर हो गया है तो उनके साथ साथ में बच्चों को भी तो जाना पड़ेगा, तो उसके लिए बच्चे को स्थानांतरण का पूर्ण अधिकार दिया गया कि अपनी आगे की शिक्षा वह दूसरी जगह पर जाकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। तो इसमें कहा गया कि बच्चे को स्थानांतरण का अधिकार भी दिया गया। और यह भी कहा गया कि सरकार
स्कूल की स्थापना करती रहे, यानी कि स्कूल जहां पे स्कूल की जरूरत है वहां पे स्कूल बनाती रहे, और स्कूल के लिए जो वित्तीय जरूरतें होती हैं जैसे खर्चे की जरूरत होती है वह भी सरकार द्वारा खर्चा दिया जाएगा स्कूल बनाने के लिए। और यह भी कहा गया कि जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग ही, जैसा मैंने भी बताया था, जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को पढ़ने दिया जाए। और इसके साथ साथ में कहा गया खेल का मैदान होना चाहिए जहां पर बच्चे खेले, खेल की पूरी उनको सामग्री मिलनी चाहिए बच्चों को, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और इसके साथ साथ में कहा गया कि बच्चे को पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये क्या थी चीजें, यह सब चीजें आई थी हमारी आरटीई एक्ट में। और इसमें मिड डे मील के बारे में भी कहा गया कि मिड डे मील के लिए अलग से एक रसोई, यानी कि अलग से एक कमरा हो जहां, जिसको हम रसोई बोलेंगे, वो भी बच्चों को स्कूल्स को प्रोवाइड किया जाए। और लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध की जाए स्कूल में ही, ताकि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, शौचालय बिल्कुल ही स्वच्छ होना चाहिए, यह भी बात कही गई। और प्रत्येक स्कूल में पुस्तकालय होना जरूरी है, यह भी आरटीई एक्ट ने कहा गया। तो गाइज ये तो थे हमारे आरटीई एक्ट 2009 के बारे में, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया, यह सब हमने जाना बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में। और यह भी हमने चर्चा की कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसलिए पूछ लिया जाएगा कि एक टीचर एंड स्टूडेंट का रेशो क्या होता है, कितना होना चाहिए। तो मिनिमम जो हम रेशो बताएंगे सही सही, वह रेशो हमारा होता है, क्या रेशो बताना है हमने, कि 30 बच्चों पर एक टीचर जरूरी होता है और 35 बच्चों पर एक टीचर, यह रेशो निर्धारित किया गया। और जैसे जैसे संख्या बढ़ती है उनका रेशो क्या हो जाता है। अगर ये भी पूछ लिया जाएगा कि अगर विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में 200 बच्चे हैं तो रेशो क्या रहेगा, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और पूछ लिया जाएगा कि एक टीचर के वर्किंग आवर मिनिमम हफ्ते में कितने होते हैं। तो एक टीचर के हमने अभी भी जाना कि वर्किंग आवर कितने होते हैं, 45 एक हफ्ते में। और हमने जाना कि वर्किंग डे कितने होते हैं स्कूल में, तो वर्किंग डे होते हैं बच्चे के स्कूल, बच्चे के नहीं, यहाँ पर वर्किंग डे आ जाएंगे स्कूल के 205वीं तक, यानी कि 1-5 क्लास तक। और 6-8 की हम बात करें तो 220 दिन होते हैं वर्किंग स्कूल्स में। तो ये तो था हमारे मोटे मोटे पॉइंट जो एग्जाम में आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी ना कभी आ ही जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि ये सबको ये वीडियो मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।